आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है उन्होंने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं और यूट्यूब पर उनका चैनल है जहां पर उनके चार मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वेलकम टू वन एंड ओनली यतेंद्र सिंह आज तक YouTube में देखा था यहाँ पे अलग अलग गेस्ट बैठते हैं और आई एम श्योर यहाँ पे बैठना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है उसका एक रीजन है मैंने बतेरी वीडियो में बोला सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं बट आज संदीप सर के सामने बैठ के थोड़ा नर्वस हूँ <laughs> बट इतना नर्वस होना तो शायद बनता है देखो तो सामने कौन बैठा है आई सै <laughs> आपने काफी सारे अवार्ड जीते हैं प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या-क्या आपने जीता है सर वैसे तो अगर लेटेस्ट लगाओगे तो आई आईएमआई एशिया चैंपियन 2022 आई थिंक हर एक खिलाड़ी का सपना होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे ना कि रिप्रेजेंट करे उसके लिए एक मेडल लेके आ सके दैट इज अ कंट्रीब्यूशन एक खिलाड़ी जो अपने तरीके से कर सकता है एट्टी के में, में मेरा गोल्ड आया एंड uh, फिर क्या होता है कि जब आप हर हर वेट कैटेगरी के एक एक एथलीट होता है जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 65, 70, 75, 80, 90, 100 हंड्रेड प्लस तो ऐसे 10 कैटेगरीज होती हैं बट 10 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी के चैंपियन को भी वो फ्रंट में बुलाते हैं और उनमें से एक को बनाते हैं वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस सो आई एम अ चैम्पियन ऑफ चैम्पियन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू तो so, इस साल 2022 का वो मेरा कंट्रीब्यूशन है मैं अपने देश के लिए एक बड़ी सी ट्रॉफी एक गोल्ड मेडल एक चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का मेडल लेके आया हूँ बट उसके अलावा भी मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ तीन बार <laughs> अब आप ये तो नहीं पूछोगे कि ऐसी कितनी उम्र है मेरी <laughs> इनफैक्ट मैं पूछने वाला था आपसे कि आपकी एज कितनी है जब आपने मिस्टर एशिया का टाइटल आपने जीता चैंपियन ऑफ चैंपियंस तब आपकी एज कितनी थी 25 दिसंबर को मैं 40 साल का पूरा हो जाऊंगा तो यानी अगर तीन महीने पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम रनिंग थर्टी नाइन बट जब मैंने पहला कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था टू थाउजेंड वन सो इट्स बींग ट्वेंटी टू ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेडल्स लेके आ रहा हूँ बट अभी इस एज में बहुत सारे खिलाड़ियों के सवाल खड़े हो जाते हैं आफ्टर थर्टी सिक्स क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा पेशा है जिससे आपको निरंतर लोहे से लड़ना पड़ता है रोज़ जिम में जाके चार चार पाँच घंटे लड़ना लोहे से फिर उस तरह का डाइट फॉलो करना आई थिंक थर्टी सिक्स में मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो मेरे ऊपर भी दो हज़ार अट्ठारह में ये सवाल उठा था क्योंकि दो हज़ार अट्ठारह में मैं अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड आया था बट चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस नहीं बन पाया था बट दो हजार अट्ठारह के बाद उन्नीस में कोविड बीस में भी कोविड रहा इक्कीस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो पाया तो थर्टी सिक्स से फिर वो मैं थर्टी सेवन हो गया थर्टी एट हो गया थर्टी नाइन हो गया बट बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यतेंद्र सिंह फिनिश हो चुका है अब एज एन एथलीट क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे उंगली उठाई कि अब तो ये बस यूट्यूबर बन के रह गया इसके अंदर का खिलाड़ी मर गया तो इस साल मेरा बस यही चैलेंज था कि मेरी जंग मुझे से है किसी और से नहीं और अगर है खुद पर विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं ये सौभाग्य मिला ऊपर वाले का आशीर्वाद बड़ों का साथ और संदीप सर की मोटिवेशन ये सब इतना भारी भरगम बन गया था कि वो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में बन पाया तो कहने का मतलब यही है कि थर्टी नाइन में इस तरह की चैंपियनशिप जीतना डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता तो सर अब हम अपना क्यू एन ए सेशन शुरू करते हैं uh, सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं uh, बहुत ज़्यादा वर्कआउट एडिक्टेड हो जाती हूँ मतलब टू आवर मोर देन टू आवर्स रनिंग वर्कआउट एंड योगा सब करने लगती तो इससे मेरा क्या हुआ कि uh, जो मसल्स पेन है नी पेन एंड ज्वाइंट पेन वो स्टार्ट हो जाता है तो आप uh, किस तरह ये डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ तक आके रुकना है एंड डाइट uh, क्या फॉलो करना है तो so, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड या जितने भी लोग यहाँ पे हैं या मुझे सुनेंगे उनको लगता है कि एक्सरसाइज मतलब सब कुछ करने लग जाओ पांच किलोमीटर भागो वजन उठा लो जिम में जाकर बहुत सारा योगा करने लगे तो एक घंटा योगा कर लो सो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपकी बॉडी को समझो जैसे आप ब्रश करते हो नहाते हो उसी तरह एक्सरसाइज भी उस ब्रश और नहाने की तरह अपने रूटीन में बांध लो हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स मोर देन एनआफ है बट यस रिजल्ट एक महीने में नहीं आएगा छह महीने साल में जो रिजल्ट आएगा वो वो रिजल्ट आएगा जिससे आपको ये ज्वाइंट्स पेन या कोई हार्म नहीं होगा इंजरी नहीं होगी तो बेसिकली हम

ये ग्रामर जो इज वीज वॉज इधर उधर लवर है तो ये क्या है समझ में नहीं आता तो उन्होंने मुझे समझाया उन्होंने पूरा प्रयास किया उसके बाद भी मैं थोड़ा ही समझ पाया ये मेरी दिक्कत थी बट जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो योग सीखने जाते हो या मेडिटेशन करने जाते हो उसके लिए आप टीचर हायर क्यों नहीं करते दैट इज एन इन्वेस्टमेंट सो यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल पर्सन टू गाइड यू दिस मतलब इसमें भी मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी है चलो जाओ डम्बल उठाओ खींचो खींचो अरे भाई खींचो तो कोई एक देख लो आसपास पास कौन है तो यानी ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जिस तरह मैं उस टीचर के लिए 100 200 500 फीस दे रहा था उनके आगे अनुसार बट आपको ये समझना चाहिए फिटनेस पे भी आपको थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना चाहिए एक्सरसाइज अगर गलती से भी गलत हो गई ना जिंदगी भर के लिए एक्सरसाइज करने के लायक नहीं रहोगे मैं तो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूं तो इसमें तो ट्रेनर की सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ाई में हमारे नंबर कम ना आए इस वजह से हम क्या करते है? ट्यूशन हैं ट्यूशन तो लगाते है। किसी, किसी एक्सपर्ट से सीखो किसी ऐसे इंसान से जिसको एक्चुअल समझ हो कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए और अभी आपका लेवल क्या है वो पहले डायग्नोस करे फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहे तो अगर हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के कोई भी काम करें सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं कोई भी काम करें तो वो ज्यादा सेफ है ज्यादा सिक्योर है और उसके अलावा उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है सर वन ईयर पहले आई वॉज फिफ्टी के जी और सिर्फ वन ईयर में आई गेंड एट के जी और मेरा बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वॉट शुड आई डू बहुत सडनली आपने बहुत वेट गेन कर लिया है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सबसे तो पहला रीज़न है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है तो बेसिकली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए वेदर योर everything internally इंटरनली इज ओके और नॉट इफ ओके देन इट्स फाइन यू to टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आपको लगता है कि आप कर सकती हो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी मिनट्स ऑफ वॉक Maybe some sort of yoga, maybe some sort of जब भी कुछ खाते हो आप बस ये सोचो मैं इसको क्यों खा रही हूँ इसमें कितना पोषण है क्या ये मेरी हेल्थ को किसी तरह से बेनिफिट देगा और मैं किस समय खा रही हूँ ये नहीं है कि बस चलते फिरते कुछ भी आया खा लिया बिस्किट नमकीन नूडल्स <laughs> ऐसे नहीं खा सकते बैलेंस so, डाइट जिसमें आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोटीन कितना फैट्स खाना चाहिए अगर आप उसमें भी नहीं जाओ तो आप ये समझो कि हरी सब्जियाँ फल दिन में दो बार खाओ और दिन में दो मील ऐसी करो जितना आप डाइजेस्ट कर सको बाकी डांस क्लास करो चाहे योगा करो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बट मैं यहाँ पे जित ऑफकोर्स यहाँ पे सारे यंग ही दिख रहे हैं मुझे ना बट मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ फाइन आप फिजिकली फिट हो बहुत अच्छी बात है बट में से बहुत सारे लोग मे बी मेंटली उतने फिट नहीं है तो मैंने ये तीन चार साल में अनुभव किया है कि यार फिजिकल फिटनेस पे तो बहुत ध्यान दिया व्हाट अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ मेंटल फिटनेस एक आदमी तंदुरुस्त है ये कैसे पता लगाया जा सकता है तो फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस आदमी के बाइसेप्स हैं तो ये फिट होगा ये कोई पैरामीटर नहीं है पैरामीटर जब आपके ऊपर कोई इमोशन गिरता है आपके घर में कोई ट्रैजेडी हो जाती है आपका कोई अपना बीमार हो जाता है तब उसको आप कैसे लेते हो कितना स्ट्रांगली आप उसको ले लेते हो दैट इज इमोशन कोई आपको छोड़ के चला गया आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई रो, रो रहे हैं आंसू बहा रहे हैं

Living your life, enjoying your life. नहीं देखिए ध्यान से समझिए अगर मैं आपसे पूछूंगा ना हेल्थ की क्या डेफिनेशन है तो आप नहीं दे सकते मैं पूछूंगा वॉट इज गुड हेल्थ आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो आप नहीं कर पाओगे मैं आपसे पूछूंगा वॉट इज इलनेस तो आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे डॉक्टर के पास जाते हो आप बताते हो ये बीमारी है अच्छा उसका ये इलाज है उसका ये कॉज है आप ये मेडिसिन ले लो इससे ठीक हो जाएगा तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ में ये छोड़ दो ये इमेजिन करना कीटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ है कोई चीज नहीं है सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो वो प्रॉब्लम्स क्या है उसकी जड़ क्या है वो जड़ आपके बचपन में हो सकती है प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है उसमें हो सकती है कुछ रियल हो सकता है या फिर कुछ इमेजिनरी हो सकता है उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड उसके बाद में जो बचा रह जाता है उसको आप बोल सकते हो वो मेंटल हेल्थ है तो आपको समझना है आपके माइंड के लेवल पे इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका रीजन क्या है वो रीजन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है इमेजिनरी अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है मान लो इमेजिनरी प्रॉब्लम मतलब क्या आपको रात को जब आप अकेले कमरे में सोते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे बेड के नीचे कोई भूत है और ऐसे हाथ आएंगे और आकर कैसे आपको पकड़ लेगा तो अगर ये इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो उसका तोड़ क्या है बताओ उसका सोल्यूशन क्या है बेड के नीचे देखो एग्जैक्टली किसने बोला हाथ ऊपर करो क्या सही बात बोली है बेड के नीचे देखो फेस योर फियर इमेजिनरी जो फियर्स हैं, उनको फेस करना पड़ता है तो आप उसकी रियलिटी देख लेते हो कि वो झूठ है भूत को आप मार नहीं सकते हो भूत के लिए कोई दवाई नहीं है भूत का कोई इलाज नहीं है क्योंकि भूत है ही नहीं सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम जॉब करने वाले बंदे हैं सुबह सात बजे से रात के नौ बजे तक हमें जॉब करना होता है उसके हिसाब से हमें जो होता है कि हम किसी तरह की जिम वगैरह नहीं कर पाते हैं जो भी हम मेट्रो से ट्रैवल इधर उधर और हमें खाना खा के सीधा बैठ, बैठना होता है और काम करना होता है जिससे कि होता है कि हम हमारा जो बैठने का जो होता है वो हम बैठ नहीं पाते सही से कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर हिल रहे हैं और कभी कभी होता है कि नींद आने लग जाती है तो हम इसे दूर कैसे करें सर जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं वो अर्ली घर से निकलते हैं एंड देन वो मेट्रो से जाएँ या कार से जाएँ टाइम लगता है फिर वो ऑफिस पहुँचते हैं फिर ऑफिस में सब लोग बोलते हैं कि छः बजे छुट्टी हो जाती है बट वो तो साढ़े आठ नौ बजे तक ऑफिस चलता रहता है फिर वो मेट्रो से घर आएंगे आई नो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते बट यू नीड टू बी कि आपको अपनी फिटनेस से कितना ज़्यादा प्यार है अगर तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो, तो देखो कड़वी बात लगेगी बट यही सच्चाई है कि आपको अपने लिए समय तो निकालना पड़ेगा सो so, कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे हम अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं हम अपने घर के लिए समय निकालते हैं हम अपने बॉसेस के लिए समय निकालते हैं हम अपने ऑफिस के लिए समय निकालते हैं हम सबके लिए समय निकालते हैं और फिर देखते हैं मेरे लिए तो कोई समय ही नहीं बचा तो सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालना शुरू करो क्योंकि से मैं अपने ऊपर लेता हूं मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता मुझे कोई बीमारी लगी और मैं हॉस्पिटल में, में एडमिट हूं क्या मेरे ऑफिस से कोई मुझे, मुझे मिलने आएगा मेरे घर वाले कितने दिन मेरी सेवा करेंगे एक लिमिट तक महीने एक लिमिट तक बट यानी ये समझो यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड So you need to be strong enough कि आपको अपनी हेल्थ को तो प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी दैट इज फॉर श्योर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑफिस जाते हैं और फिजिकली फिट है सामने भी देखो संदीप सर फिट है ना सर ये आपने मसल मसल की बात करी कैसी है मतलब ठीक ठाक है अच्छी है सर जा सकता हूँ बहुत अच्छी है कॉम्पिटिशन में जा सकता हूँ कंपटीशन में जाने लायक आप कंपटीशन कराओ सर, सर झूठ बोल दो मेरा दो दो। मन रखने के लिए झूठ बोल दो बिल्कुल जा ने... सकते हो सर बट आप <laughs> सर ने झूठ नहीं बोल नहीं, नहीं। तो जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं बिजी शेड्यूल है जिनका भी अपने ना खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने अराउंड में जो पेट भरने के लिए खाते हैं पेट तो आप बर्गर से भी भर सकते हो पेट आप पिज्जा से भी भर सकते हो बट पेट आप सब्जियों से भी भर सकते हो और पेट आप न्यूट्रिशियस फूड से भी भर सकते हो तो आप आज से ही एक बात दिमाग में बिठा लो पेट भरने के लिए नहीं खाना जो भी खाना होगा मेरी थाली में या मेरे टिफिन में उससे मुझे कितना पोषण मिल रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर वन और फिर ये ये इंटरवल मील्स पे खाते रहो दिन में अगर अलग से आप बोलते हो भैया मैं तीन बार खा पाता हूं मैं बोलता हूँ तीन बार ज्यादा ना खा के उसको डिवाइड करो अपने टिफिन को डिवाइड करो लंच को डिवाइडेड इंटू टू डिनर को डिवाइडेड इंटू टू ब्रेकफास्ट को डिवाइडेड टू सो दैट आपने थोड़ा खाया आपकी बॉडी ने उसको यूज कर लिया सो so फैट बनने के लिए बचा ही कुछ नहीं वन अब आप बोलोगे यार मैं जिम तो जा नहीं पाता कोई बात नहीं जिम जाना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना अच्छी बात है सबको करनी चाहिए बिंग अ फीमेल या मेल चालीस हो अस्सी हो बीस साल हो बट आप किसी अन्य तरह की फिजिकल एक्टिविटी तो कर सकते हो लेट से आप बोलो कि चलो मैं एक काम करता हूँ मैं सुबह पंद्रह मिनट जल्दी उठना शुरू करता हूँ और मैं किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ तो मैं थोड़े पुशअप्स मार लिए थोड़ा स्क्वाट्स कर लिया प्लाइंग्स कर लिए आप किसी की भी वीडियो में देख सकते हो टॉप फाइव एक्सरसाइज टू बिया हेल्थी लाइफ वो अडोप्ट करो बट दिस मैंने क्या बोला ब्रश करना भूलते हो कभी आप no, नहना कभी सर्दियों में तो भूल जाते हो <laughs> तो एक बात बताओ जब हम खाना नहीं भूलते हम नहाना नहीं भूलते हम ब्रश करना नहीं भूलते तो हम एक्सरसाइज करना कैसे भूल जाते बिकॉज जब तक किसी को कोई बीमारी नहीं लगती उसको हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती आप एक बार आईसीयू में लेट के देखो आपको लगे भगवान आज बचा दे कल से मैं अपने ध्यान का रखू सेहत कर सही बात है <laughs> बस मैं यही बोलूंगा आप हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है यंगस्टर्स से तो खासकर इतने बिजी मत हो जाओ अपनी तो सेहत को ही भूल जाओ सबसे पहले आप संकल्प लो किसी भी चीज का कि यह मुझे करना ही करना है अगर मेरा जीवन है तो यह मेरा गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए यह मेरा संकल्प है तो संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों गिरेगा संभलेगा पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल हर लहर को पार करता चला चल तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं और तब ये जान लेना कि यही तेरे विजयी होने का आभास है क्या बात थैंक यू सो मच जी